गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने पिछले वीक हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया था अपना। आज हम मानव प्रजातियों वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन रेसेस। अब बच्चों, रेस का मतलब जो है ये इंग्लिश वर्ड है, और इसका यदि आप डिक्शनरी में देखें तो दौड़ से मतलब है। दौड़ किस चीज़ की दौड़? मनुष्य प्रजाति की दौड़, यानी मनुष्य का एक जगह से दूसरी जगह जाना, और अन्य प्रकार की सारी जो अवस्थाएँ हैं उन सबको हमने रेस में शामिल किया है। और हर कंट्री का जो सिस्टम है, मतलब यानी कहीं पर आर्थिक कारण से जातियां बनी, कहीं पर सामाजिक कारणों से जातियां बनी। अब जाति और प्रजाति, प्रजाति ये शब्द जो है ये बेसिकली उत्पत्ति भौगोलिक कारकों के आधार पर है ना। और बहुत सारे सोशल अमेंडमेंट्स, लेबर रिफॉर्म्स, ये सारे बहुत सारे कारण रहे हैं जहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से RACE रेस शब्द को ह्यूमन बीइंग के साथ जोड़ा गया। समझ में आ गई बात? बात मैंने क्या कहा कि अलग अलग भौगोलिक कारणों के आधार पर मनुष्य की जातियों को जोड़ा गया। हमारे हिंदुस्तान की जातियों का मतलब यहाँ तो बिल्कुल अलग है, पर नहीं, आप ऐसे देखें अमेरिका में लेबर इन्फोर्समेंट हुआ, ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट्स हुए, ये सारे कारक जो हैं वो प्रजाति जातियों को शो करते हैं। पर फिर धीरे धीरे करके प्रजाति शब्द जो है वो बुक ऑफ मार्टियर्स फॉक्स का वर्ड तो हिंदी ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब में दिया हुआ है, पर एक्चुअल में प्रजाति शब्द जो है ये आपका 400-500 सदी पहले ही यूज़ हो चुका है। यानी 1570 में तो बुक ऑफ मार्टियर्स में ई फॉक्स ने दिया है ना, 1570। और इसको इतावली इटालियन वर्ड में इसका मतलब है रजा, RAZZA, जो आपकी सब किताबों में दिया हुआ है। और हम रेस शब्द का इस्तेमाल ब्रीड से करते हैं, नस्ल से करते हैं, है ना। और बायोलॉजिकली जो है कैप्शन जो यदि हम देख कॉन्सेप्ट है इसका, तो उसमें हम मनुष्य के वंशानुक्रम और उसकी उसके शारीरिक लक्षण, आंतरिक और बाह्य शारीरिक लक्षण, जो उसके बाह्य लक्षण जो शारीरिक लक्षण है, जैसे शरीर सिर की बनावट है तो ये आंतरिक भी है, दिखने में बाहर से अलग है। ये केशों की संरचना, स्किन की स्किन का कलर, चमड़ी का रंग, ये सारे हमारे क्या हुए, वंशानुक्रम हुए। हाइट है, कम है, चौड़े हैं, कंधे टांगे पतली हैं, लंबी हैं, ये सारे कार मतलब मनुष्य जाति का दांतों के प्रकार से लेके जबड़े का प्रकार, ये सारा जो है, ये सारे के सारे लक्षण जो हैं हम इन आधारों पर उसको क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, जिसे हम नस्ल कहते हैं। हिंदुस्तानी हिंदी शब्द में हम नस्ल बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको ब्रीड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे ज्योग्राफी के अंदर हम क्योंकि ये जो चैप्टर है बच्चों, ये मानव शास्त्र यानी मानव भूगोल का जो अलग शाखा बन गई है, एंथ्रोपोलॉजी बन गई है। और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर बहुत कंटिन्यूसली रिसर्च इंसान करते रहे। आपने सुना होगा ना कि भाई चीन में सबसे पुराना मानव मिला है, अब आया अफ्रीका में सबसे पुराना मानव मिला या यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहे हैं? ये सब चीज़ें मनुष्य जाति के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब पूर्व में सबसे पहले जो डेफिनेशंस हुई हैं उनमें आपके जो ये कोबर था, कोबर महोदय है ना, कोबर इसमें आर साइलेंट बच्चों, KROEBER, क्रोबर जो हुए हैं, कोबर जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए हैं, मानवशास्त्री हुए हैं। अब उन्होंने जो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी थी, उस डेफिनेशन में उन्होंने कहा था कि प्रजाति एक जैविक अवधारणा, मान्य जैविक अवधारणा, मतलब इस सब जगह इसको रिकॉग्निशन मिल चुकी है कि जाति किससे जोड़ेंगे हम, बायोलॉजिकल जैविक कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे, ठीक है। और यह अनुवांशिक समूह है, दिस इज़ ऑल्सो फैक्ट, मेन तो ये अनुवांशिक है, मतलब जिसको हम बोलते हैं DNA के आधार पर टेस्ट किया। जैसे लेडी डायना की डेथ हुई तो आपके सीनियर बुश ने ये कहा, जॉर्ज बुश ने, कि भाई लेडी डायना वॉज रिलेटेड टू माई ब्रीड, मतलब मेरी नस्ल से जुड़ी हुई थी वो, तो उनको कैसे पता चला? वो DNA टेस्ट के ज़रिए उन्होंने कहीं कहीं टेस्ट हुए होंगे, उस आधार पर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मैच किया कि ये इससे रिलेटेड है। तो जैविक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सर्वमान्य हो गया बच्चों, सबको मान्य है जैविक अवधारणा। और आनुवंशिक समूह हैं जो, वो आपके सारे जो हेरिडिटरी जननांकी, देखिए वर्ड हिंदी में याद कर लीजिए, जननांकी हेरिडिटरी अथवा उपजाति द्वारा
संगठित एक समूह है, यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यानी ये किसी से ये नहीं कहा कि भाई ये इस समाज का, ये समाज तो क्रियाकलापों के आधार पर रचना होती है। जैसे क्रियाकलाप, जो क्षत्रिय है वो युद्ध के कार्य को करता था, ब्राह्मण जो है बुद्धि के कार्य, ज्ञान के कार्य को बांटने का करता था, है ना, वैश्य जो है व्यापार। ये हमारे हिंदुस्तान की बात तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको। तो ये चीज़ जो है ये कोई सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट नहीं है, अवधारणा नहीं है, ये सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैसे है, टोटली बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ये कौन बोल रहा है? कोबर महोदय बोल रहे हैं। वो कौन है? वो एंथ्रोलॉजिस्ट है। इज दिस क्लियर? अब नाउ इसके बाद में हॉबल की डेफिनेशन, क्योंकि सारी ज्योग्राफी की बुक जो कोई भी ले लें आप, सब में यही है। केवल अभी जो खुल्लर साहब की किताब आई है उसमें उन्होंने एज इट इज़ एंथ्रोपोलॉजी के चैप्टर को उठा के प्रजाति में रख दिया, जो कि बहुत टफ है समझाने की दृष्टि से, ठीक है। तो हॉबल महोदय ने क्या बोला, प्रजाति मानव जाति का वह समूह है जिसके अंदर विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक आनुवंशिक मतलब हेरिडिटरी, अब जो आपके दादा परदादा पर यदि यू डोंट नो देयर नेम बट यू नो द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली। जैसे बोलते हैं ना, अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ, एक यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उनके नाम के आगे साउथ के हैं परंतु नॉर्थ में पोस्टेड अभी हैं वो, उनके नाम के आगे उन्होंने उनके फोर फादर ने अमानत लगा रखा है। तो अमानत शब्द बच्चों उन्होंने अपने ग्रैंड पास से पूछा तो वो ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन हिम। अब वो जो वीसी थे तो उनके पास हरियाणा से डेलीगेशन मिलने आए, तो उन्होंने कहा साहब हम भी अपने नाम के पीछे अमानत लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे गांव का नाम अमानत है। तो अमानत गांव मतलब, तो उन्होंने जब ढूंढा तो 250 साल पहले उनके कोई ग्रैंड फादर कृष्णदेव जो थे राय, पंडित थे वो, और वो शंकराचार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और आपको पता है साउथ में संन्यास की परंपरा नहीं थी, उन्होंने संन्यास की परंपरा को वहाँ जाकर केरल में इस्टेब्लिश हुए, संस्कृत सिखाया और संन्यास की परंपरा को बल दिया शंकराचार्य से। तो कहाँ से माइग्रेंट हुए वो, है ना। तो ये प्रेजेंट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आप प्रजाति में कभी भी सामाजिक संरचना नहीं होती है, केवल क्या होता है आपका जो आई मीन जैसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या बोला, विशिष्ट आनुवंशिक संरचना से नियंत्रित सारे शारीरिक लक्षणों का समावेश, सारे आपके हेरिडिटी के आधार पर आपके घर में सारे लंबे हैं तो आप लंबे 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 ही पैदा होंगे, तो ये आनुवंशिकता हुई, ये हेरिडिटी हुई। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारे फीचर्स कहाँ से मिलते हैं हमको, सारे लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से मिलती हैं, अपनी हेरिडिटी से मिलती हैं। अब है बच्चों, हैडन के अनुसार प्रजाति एक शब्द है, एक विशिष्ट वर्ग को प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य विषय ऊपर से समरूप होती हैं, एक जैसी दिखाई देती हैं, पर उनकी जैविक नस्ल वो डिफरेंट होती है, बायोलॉजिकल उनकी ब्रीड जो होती है वो डिफरेंट होती है, जिसके अंदर वो प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक कारणों के योग से भिन्न होती है। अभी जो अपने यहाँ बच्चों एक जो कॉन्सेप्ट था पुराना कि इस समाज से उस समाज में शादी नहीं करने का, तो वो कोई उसके पीछे कोई सामाजिक स्ट्रक्चर बना दिया, नियम बना दिया, पर एक्चुअल में उसके पीछे कारण क्या था कि जैसे जो ब्रेव नस्लें हैं, जो बहादुर ब्रीड्स हैं उनको संरक्षित रखना, जो बौद्धिक ब्रीड्स हैं उनको संरक्षित रखना, तो इस प्रकार से ये सोशल स्ट्रक्चर जो था वो बहुत सिस्टमेटिक था, उसमें कोई ये ऊंचा नीचा ऐसा नहीं था, उसमें कार्य क्षमता के आधार पर। क्योंकि अभी क्या होता है कि आनुवंशिक जो हेरिडिटरी है वो तो है ही, पर उसमें मिक्स बहुत है, तो उसको बचाए रखने के लिए तब, जैसे आप कभी देखिए कि किसी एक बहुत सब फैमिली में पूरा डार्क कलर होगा, पर कोई एक बच्चा ऐसा हो जाएगा पैदा जो ब्राउन कलर का या गोरा होगा बहुत, तो या ब्लूइश आईज होंगी, तो वो उनकी हेरिडिटरी रही है, कोई ना कोई उनकी पीढ़ियों में उनके परिवार में कोई ना कोई उस ब्रीड का रहा होगा, तो वो लक्षण कई पीढ़ियों बाद परिलक्षित हो गए। तो कहने का मकसद ब्रीड जो है वो बायोलॉजिकल है, ठीक है। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि कहीं हम जाते हैं, जैसे राजस्थान से माइग्रेंट, जैसे मैं अपनी बात बोलूं, हम लोग हमारे पर दादाज कोई हैं जिनके पास पत्र था, कांसे पत्र, चांदी के पत्र,
वो उदयपुर के राज परिवार राणा सांगा ने जब मुस्लिम अत्याचार या अत्याचार तो क्या बोलूँगी वो आधिपत्य हो रहा था, तो उन्होंने बहुत अपने जो मजबूत अच्छे वेल बिल्ट सिपाही थे सिपा सालास उनको उन्होंने पहाड़ों में जाकर रहने के लिए कहा कि आप छुप के रहें ताकि हमारी नस्ल बची रहे। परंतु अब देखो वो ब्रीड अलग है कि वो फाइटर है, वो हार्डवर्किंग है, वो बात अलग है, पर उनके अंदर पहाड़ों के भौतिक लक्षणों का समावेश हो गया। अब वो उनकी हाइट कम हो गई और हो सकता है उनके कोई ऑस्ट्रोमोंगोलाइड या मोंगोलाइड रेस के अंदर उनका मिक्स हो गया हो, तो उनकी हाइट भी कम हो गई, पीला रंग के होने लग गए। तो ये सारे कारक जो है बच्चों, ये सारे शारीरिक लक्षण प्राकृतिक लक्षणों के साथ में या दूसरी प्रजाति के साथ में मिल करके अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रोफेसर ब्लाश तो आपको पता ही है, जिन्होंने जो कि मेन आपके मानव भूगोल के वो रहे हैं, तो उन्होंने प्रकृति मनुष्य के शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजाति को बांटा। ग्रिफिथ टेलर ने कहा मानव प्रजाति के बारे में मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती, ब्रीड को प्रकट करती, न कि सभ्यता, जो कि फैक्ट है। सभ्यता तो हम जब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्य क्रियाकलाप या अंतरक्रिया करते हैं तब उनसे परिदृश्य उत्पन्न होता है, तो वो तब जाके कोई सभ्यता बनती है। परंतु प्रजाति जो है वो खाली खाली मात्र ब्रीड है। अब भारतीय जो समाजशास्त्री डॉक्टर मजूमदार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के समूह को सामान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सकता है। अपन लोग इंडिया में जो अलग अलग राज्य के लोग हैं वो अलग अलग दृष्टि से हम उनको पहचान सकते हैं। अब कैसे पहचान सकते हैं कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट का है या ये साउथ का है, ये वेस्ट का है, ये एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ का है, ये कैसे पहचानते हैं? उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर, कि कश्मीरी एकदम कश्मीरी बोलते दिमाग में आता है भाई पतली लंबी नाक वाले और गोरे रंग के होंगे, राजस्थानी पतले लंबे सांवले रंग के होंगे क्योंकि क्लाइमेट का असर है ना, गर्म है बहुत, साउथ में और गर्म है तो उनके चौड़े नाक, घुंघराले बाल, डार्क स्किन। पर सारे के सारे ऐसे नहीं हैं, पर एक सामान्य जो लक्षण है वो नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल छोटी हाइट, गोरे और अच्छे तगड़े लोग होंगे, चपटी नाक वाले होंगे, पीला रंग होगा, काले स्ट्रेट बाल होंगे, है ना। तो ये शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम डॉक्टर मजूमदार ने इस ये बात शायद कहनी चाहिए कि इसलिए हम उसको पृथक पृथक समूह बना लेते हैं, और जैविक समूह के सदस्य कहीं पर क्यों ना हो वो आपस में एक ही होते हैं कहीं ना, जैसे वह काम के तलाश में, आर्थिक आधार पर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जैसे माया सभ्यता को मैं बोलती हूँ ना आपको, या आपकी जो माया सभ्यता है लैटिन अमेरिका पेरू के अंदर, वो सूर्य की पूजा करते हैं, और वो जब पूरा ही कॉन्टिनेंट शायद एक रहा होगा तो वो माइग्रेंट हुए, और जैसे जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या प्राकृतिक घटनाएँ हुई होंगी तो वो वहीं पहाड़ों में जाकर रहने शुरू हो गए। तो ये सारी सभ्यताओं का एक निचोड़ निकालें तो वो अलग है, हिस्ट्री में इसके प्रारूप बिल्कुल अलग है। हिस्ट्री वाले उसको बिल्कुल अपनी दृष्टि से, दृष्टांतों की दृष्टि से, घटनाओं की दृष्टि से उसको देखते हैं, पर ज्योग्राफी में हम प्रजाति को केवल मात्र बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जैविक संकल्पना के आधार पर ही हम प्रजाति को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब आज के लिए बच्चों इतना ही, कल हम पढ़ेंगे मानव प्रजाति के विकास के कारक। समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।